हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही जियो पस प्लस के न्यू वर्जन आए थे 1.2.2, और फिर से दोबारा जियो पस प्लस के न्यू वर्जन आ चुका है 1.2.3। अगर आप अपने मोबाइल पर जियो पस प्लस के न्यू वर्जन को अपडेट नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर जियो पस प्लस के न्यू वर्जन को 1.2.3 को अपडेट कर लीजिए। और क्या जियो पस प्लस के न्यू वर्जन में जियो सिम एक्टिवेशन का EKYC का ऑप्शन आया है कि नहीं आया है? ऐसे तो जियो पस प्लस के 1.2.2 में ही EKYC का ऑप्शन दे दिया था बहुत रिटेलर को, मतलब किसी किसी सर्कल में दिया था और किसी किसी सर्कल में नहीं दिया था। क्या यहाँ पर जियो पस प्लस के न्यू वर्जन 1.2.3 में EKYC का ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है? सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दीजिए इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप जाकर हमारे टेलीग्राम फैमिली में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि जियो पस प्लस के न्यू वर्जन 1.2.3 में भी EKYC का ऑप्शन नहीं दिया है बहुत रिटेलर को, और बहुत सारे रिटेलर को तो पहले से ही EKYC का ऑप्शन मिल गया है जियो सिम एक्टिवेशन और MNP करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर को EKYC का ऑप्शन अभी तक यहाँ पर न्यू वर्जन में भी नहीं दिया है 1.2.3 में भी। तो यही छोटा सा अपडेट था, तो आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दीजिए इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।